सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी जयपुर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूं बिकॉज कल ही आरएएस प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है और चाणक्य के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स क्लियर किया है, तो मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और साथ ही साथ आप में से भी अगर किसी स्टूडेंट ने प्रीलिम्स क्लियर किया है तो आप आ सकते हैं यहाँ पे मेंस की एक बहुत ही स्पेशल टेस्ट सीरीज़ जो हमने स्पेशली क्यूरेट की है आरपीएससी के पैटर्न पर, जो कहाँ लगेगी, नई वाली गोपालपुरा ब्रांच पे लगेगी चाणक्य आईएएस की। और पहला टेस्ट उसमें पूरा फ्री रहेगा आप सभी के लिए और उसकी टाइमिंग है 10 से 1। और नवरात्रि स्पेशल ऑफर भी अभी चल रहा है, तो आप अपने आरएएस बनने का सपना साकार कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं चाणक्य की लेटेस्ट मेंस की टेस्ट सीरीज जो कि स्पेशली बेस्ड है आरपीएससी पैटर्न पे। तो आज हम शुरुआत करेंगे चाणक्य करंट नामा ऑफ 21 अक्टूबर। देखिए आज जो इसके अंदर स्पेशल है वो ये है कि आज हम डिस्कस करेंगे पीआईबी की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, जैसे कि जो प्रोजेक्ट्स अभी लॉन्च हुए हैं या फिर जैसे धोडो विलेज, इसे टूरिज्म बेस्ट टूरिज्म के लिए अवार्ड मिला, तो वो सारी चीज़ें आज हम देखने जा रहे हैं। सो लेट अस बिगिन द प्रोजेक्ट विद द प्रोजेक्ट उद्भव। सो ये इंपॉर्टेंट है किस बेसिस से कि अगर हम देखें, हमने थिएटराइजेशन ऑफ फोर्सेस को बहुत ही इनडेप्थ पढ़ा था, उसके चैलेंजेस क्या थे, उसको किस तरह से हमें चैलेंजेस को मीट आउट करना है, वो सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस करी थी। और हमने देखा था कि किस तरह डिफरेंट हेड्स आइडेंटिफाई किए गए थे कि थिएटराइजेशन होगा कैसे, तो उसी से रिलेटेड जैसे वो किसके लिए इंपॉर्टेंट था, GS3 के लिए इंपॉर्टेंट था, ये भी GS3 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि प्रोजेक्ट उद्भव इसमें होगा क्या, द नेसेसिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज अंडर। देखिए मैं आपको संक्षिप्त में ये सारी बात बताता हूँ कि अगर हम देखें हमारे इंडियन फोर्सेस वो अभी भी कहाँ कॉलोनियल रूल्स के हिसाब से क्या हैं, वर्क कर रही हैं, जो कि वेस्टर्न देशों की आर्मी है उनके हिसाब से क्या है, अलाइंड हैं। हमारी आर्मी को हमारी लोकलाइज्ड नीड के अकॉर्डिंग अलाइन करने के लिए ये प्रोजेक्ट उद्भव आया है। तो अगर आपको कहीं भी लिखना है रिफॉर्म्स इन आवर इंडियन फोर्सेस डिफेंस फोर्सेस, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट उद्भव का डायरेक्टली नाम लिख सकते हो। इसमें होगा क्या, इसमें हमारे जितने भी जैसे लोकलाइज्ड नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, उनके अकॉर्डिंग ये सारे जो प्रोसेस है मिलिट्री का उसको किया जाएगा। और ये लॉन्च कब किया गया, ये लॉन्च किया गया हेरिटेज मेला में, डिफेंस हेरिटेज मेला, मिलिट्री हेरिटेज मेला में ये लॉन्च किया गया है। तो वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है। ये हमारे लिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से और साथ ही साथ मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर होगा क्या, रिसर्च की जाएगी, डिस्कशंस होंगे, स्टडीज़ होंगी, किस बेसिस पे, इंडियन बेसिस पे, कि इंडिया की डिमांड क्या है और उसे अलाइन किस तरह करना है। और इसमें क्या क्या होगा, थ्रू द प्रोजेक्ट द इंडियन आर्मी एक्नोलेजेस दैट नेशन इज ए ट्रेजर ट्रोव ऑफ एंशियंट टेक्स्ट एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स दैट डिलिनिएट सोफिस्टिकेटेड वेराइड एंड कॉन्टेक्चुअली रिच स्ट्रेटजीज, यानी हमारे जो एंशियंट टेक्स्ट थे उस तरह किस तरह से जो है स्ट्रेटजीज प्लान की जाती थी, वो चीज़ें भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। जैसे आपने देखा होगा ना, महाभारत का युद्ध होता था तो किस तरह से वो रचते थे, है ना, वो उसकी जो बेसिकली जिसमें अभिमन्यु फंस गए थे, है ना, तो वो सारी चीज़ें वो कैसे एक स्ट्रेटजी होती है, टैक्टिक्स होती है, तो वो टैक्टिक्स भी क्या हैं हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि हमारी आर्मी को हमारे अकॉर्डिंग करने के लिए हम ये पूरा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको क्लियर होगी। फिर धोडो विलेज बेसिकली कहाँ है, गुजरात में है, और इसे क्या मिला है, बेस्ट टूरिज्म का अवार्ड मिला है। किसने दिया है, UN WTO का मतलब वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, याद रखना है, UN WTO वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाला नहीं है, ये है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसने धोडो विलेज को क्या दिया है, तो अगर प्रीलिम्स में आप ये क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग में भी अगर आ जाता है कि धोडो मैच करें कहाँ पर है, तो आप ये कंफ्यूज नहीं होना है कि अचानक से कैसे आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, अनप्रेडिक्टेबल है UPSC, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई चीज़ न्यूज़ में रही है तो वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो हमने क्या देखा, धोडो विलेज कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में लाई करता है और बेस्ट टूरिज्म विलेज का इसे अवार्ड दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विजुअल्स हैं, ठीक है, और रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने भी कॉन्ग्रेचुलेशंस किया है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, घर घर KCC अभियान, यानी घर घर KCC अभियान में क्या है, पहले हम देख लेते हैं KCC का मतलब क्या है।
केसीसी का मतलब है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड बेसिकली 1998 में क्या हुआ था, 1998 में लॉन्च हुआ था। बिकॉज जैसे कोई भी किसान है जब खेती करता है, एग्रीकल्चर करता है, तो उसे कुछ फंड की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे क्या लगते हैं उसमें, आप अगर देखोगे कि बीज लाने पड़ेंगे, आपको फर्टिलाइजर्स लाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें उसमें इनपुट कॉस्ट आता है, तो उस कॉस्ट के लिए एक शुरू में पैसा चाहिए ना। तो वो पैसा कहाँ से, केसीसी से आप ले सकते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड। ये स्कीम 1998 में आई थी, और इसका फॉर्मलाइजेशन किसने किया था, इसका नाबार्ड ने बेसिकली इस स्कीम का पूरा प्रपोजल बनाया था। तो अगर ये स्कीम केसीसी है, इसके अंदर एक नया अपडेट तो ये है, हमें याद रखना है कि फिशरीज़ में भी ये अब एप्लीकेबल हो गई है। अगर कहीं भी आपको दिखता है कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट अबाउट द केसीसी स्कीम, तो ये फिशरीज से अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है कि फिशरीज़ में भी ये क्या है, एप्लीकेबल है, पहले नहीं थी जबकि, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ कि इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, जैसे कि अगर सपोज करो 3 लाख तक का आपने कोई लोन लिया है ना, 3 लाख तक के लोन पे आपको क्या मिलेगा, आपको ब्याज की दरों पे छूट मिलेगी। यानी कितनी छूट मिलेगी आपको, इसमें आपको 3% छूट मिलेगी। प्लस साथ ही साथ अगर आपने टाइमली रीपेमेंट कर दिया, यानी आपने टाइमली रीपेमेंट किया, तो फिर दोबारा 2% आपको छूट मिल जाएंगी। तो ये सब क्या है, ये सब आपको किसान क्रेडिट कार्ड में स्कीम्स में फैसिलिटी अवेल आप कर सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। तो ये अब स्कीम क्या है, ये स्कीम है घर घर केसीसी अभियान। इसको देखो आप कहाँ कहाँ लिंक कर सकते हो, आप इसको GS2 में लिंक कर सकते हो, है ना, और इसको आप GS1 में लिंक कर सकते हो। फिर उसके बाद आप इसको अपने बेसिकली कह सकते हैं कि प्रीलिम्स के लिए भी याद कर सकते हो, जो हमने अभी पॉइंट देखा कि ये फिशरीज़ में एप्लीकेबल है या नहीं है, तो ये सारे पॉइंट्स भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। अब ये स्कीम क्यों लॉन्च की गई है, टू यूनिवर्सलाइज द फाइनेंशियल इंक्लूजन। बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एंश्योरिंग दैट एवरी फार्मर हैज़ अनहिंडर्ड एक्सेस टू द क्रेडिट फैसिलिटीज दैट ड्राइव देयर एग्रीकल्चर परस्यूट्स। यानी कि हर घर तक केसीसी को पहुंचाना, यानी कि अगर कोई भी किसान है क्रेडिट अवेल करना चाहता है तो उसके रास्ते में कोई रुकावट ना आए। तो यहाँ से क्या है, आप गवर्नेंस का एग्जांपल भी दे सकते हो कि गवर्नेंस को क्या ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने के लिए, ग्रास रूट डेमोक्रेसी अचीव करने के लिए ये क्या है, एक बढ़िया स्टेप है, है ना। इसी तरह से आप सारी चीज़ें इसमें कनेक्ट कर सकते हो। तो आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे, और ये सारी न्यूज़ जो हमने देखी वो PIB से रिलेटेड न्यूज़ थी, जो इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे जो अब तक आए हैं। और इसके अलावा जो भी न्यूज़ है वो हमने देखी कल, जिसके अंदर हमने क्या देखा था, क्वेश्चन ऑफ द वीक, जो कि आपको लिख के सबमिट करना है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो सबमिट करना चाहते हैं, वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से सबमिट कर सकते हैं। किसी को कोई भी तरह का डाउट आ रहा है, कोई भी किसी भी प्रकार का आपको डाउट आ रहा है, आप सीधा हमें कॉन्टैक्ट करें, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। प्लस आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट आ रहा है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं अगले चाणक्य करंट नामा में।